ओके, सो एज ए टीचर एंड ऑथर ऑफ दिस बुक, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि फिजिक्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना बच्चों की, कि फिजिक्स बहुत टफ लगती है, समझ में नहीं आती, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कंसेप्ट को कैसे यूज करें ये पता नहीं चल पाता है, राइट? देखो, एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा कि फिजिक्स को केवल पढ़ने से वो आपको नहीं आएगी, या उसमें आप मास्टर नहीं बन जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ जाएगा। आपको ये टेक्निक्स और वो मैथड्स भी सीखने पड़ेंगे जिनके थ्रू आपको ये समझना होगा कि जो आपने पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करें। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद इजीली आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंसेप्ट इसमें यूज होगा और क्वेश्चन फास्टली सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारी टेक्निक आपको आनी चाहिए, केवल पढ़ना नहीं है, उन सीक्रेट्स को भी जानना है कि हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन फास्टली, हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ईजिली, राइट? ये सब मैथड्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो बेसिकली एज ए इंजीनियरिंग एस्पिरेंट एंड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन फॉर IIT एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये सब मैंने फील किया था पर्सनली, अपने जो मेरे बैचमेट्स होते थे और खुद भी हम फील करते थे कि क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों को आती है। तो इस बुक में वो सब कुछ मैंने इसलिए डाला है। इसको आप बुक की तरह मत ले, जो बच्चा एक सोच के किसी भी सिटी से किसी दूसरी सिटी में जाता है कोचिंग करने के लिए कि उस कोचिंग में मेरे को ये बताया जाएगा, ये कॉन्टेंट, वो एकदम सॉर्टेड फॉर्म में मैंने इसमें डाला है स्टेप बाय स्टेप। तो 11th क्लास 12th क्लास जो पर बच्चे हो आप, नीट JEE जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, भाई बहुत अल्टीमेट तरीके से एक यूनिट डायरेक्शन में इस बुक का यूज करके आप जा सकते हैं और एक कंप्लीट पैकेज की तरह ये बुक आपको हेल्प मिलेगी। वो टेक्निक्स, वो तरीके कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, जो एज इट इज एग्जाम में आ सकता है, उस टाइप का एग्जाम में आ सकता है। ट्रस्ट मी गाइज, जो अभी जेई मेन्स के एग्जाम हो रहे हैं, डिक्टो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सब देख सकते हैं जाके इस बुक को। अगर आप यूज़ करते हो ना, एज ए ऑथर मैं ये बात कर रहा हूँ, एज ए टीचर मैंने खुद ये बुक लिखी है, तो ये एक बुक की तरह मैंने सोच के नहीं लिखी थी। मतलब एक बच्चा जिस उम्मीद में जाता है, वो सारा कंटेंट मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज बनाया कि पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, देन आफ्टर दिस एंड दिस, फाइनली आपको एक टच पॉइंट मिलेगा। आपको ऐसे वो नहीं मिलेगा कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। कंटेंट जो एग्जाम में चाहिए बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। सो विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप सब इस बुक को यूज कर सकते हैं। एक बार करको तो देखो, तभी तो डिसाइड कर पाओगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो मैं क्या बोल रहा हूं। एंड टू बी वेरी सून, ये हर बच्चे के पास वैसे भी जाने वाली है। पर्सनली ये मेरा सबसे सजेशन है डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, एक बार आप जाएं, क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट होता है। इतने अमाउंट में तो हम अगर कुछ चीज़ खाते हैं तो खत्म हो जाती है। बुक है जो लाइफ टाइम रहेगी, एटलीस्ट ये आपको हार्म नहीं करेगी, ये आपकी हेल्प ही करेगी 101%। ये आपको भी पता है, कोई भी चीज़ हम ऐसे कहीं से खरीदते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो ख़राब हो जाती है तो गए पैसे हमारे, राइट? लेकिन ये बुक है, ये नॉलेज देगी आपको 100%, ठीक है? तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार देखें, इसका यूज करें, और ये आपको पूरा कॉन्फिडेंस देने वाली है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट।